अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आप सबका स्वागत है रूबीना के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कोरमे का सालन। देखिए गाइस, ये मैंने ले ली हूँ आधा किलो चिकन, बॉयलेस चिकन है। इसमें ये कांदा, इसको अभी रिश्ता बना के डालूँगी। हाँ, ये कांदा और ये दही का डब्बा और ये इसका भी रिश्ता बनाऊंगी और ये है सूखा खोपरा। अभी साफ करके बनाऊंगी। मेरा भी रिश्ता बना के हो गया। अब इसमें निकाली हूँ मैं थोड़ा गरम मसाला, ये दो तेज पत्ता, चार से पाँच दालचीनी, काली मिर्च दो से तीन लौंग और ये थोड़ी सी दालचीनी बस, और ये पाउडर मसाला, ये ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा, इसको भी अच्छे से भूनूंगी। भून के फिर इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। देखिए मैंने चिकन अच्छे से धो लियो, साफ पानी से धो, साफ करके अच्छे से धो लियो। अब इसमें डालूंगी मैं चिकन, अदरक लहसुन मेरा भून गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अभी अच्छे से थोड़ा दो पाँच मिनट भून जाएगा, उसके बाद में डालूंगी पाउडर मसाला, फिर डालूंगी दही। देखिएगा अदरक लहसुन डाल के, चिकन डाल के थोड़ा दो पाँच मिनट रखे। अब ये डालने जा रही हूँ मैं मसाला, मसाला डाल के अभी दो पाँच मिनट भूनूंगी, उसके बाद डालूंगी ये बिरिस्ता पीस ली हूँ, इसमें खोपरा है और ये दही भी फेंट के रख ली हूँ। सब माशाल्लाह मेरा मसाला वसाला सब भून के अच्छे से हो गया। अब इसमें सालन लगाऊंगी, सालन लगा के थोड़ा उबाल आ जाएगा 5-7 मिनट, उसके बाद में फिर मैं ये कोतमीर काट के डालूंगी। देखें माशाल्लाह तीरा वीरा सब कितने अच्छे से आ गया, देखो तेल छूट रहा है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने, रोटी बनाने। चावल मेरा इधर माशाल्लाह पक रहा है। देखिए गाइस माशाल्लाह मेरा खाना बन गया अच्छे से। ये देखो मेरा कोरमे का सालन, ये चिकन तो लौंग आगे पीछे, और ये रोटी, ये चावल। गाइस आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी वापिस एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। गाइस मेरे लिए, अव्वाम के लिए दुआ करो।